शहीद भगत सिंह नगर पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता प्राप्त की है। इस संबंधी आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी अखिल चौधरी ने बताया कि गैर कानूनी हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध हथियार की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को काबू कर उसके पास से 10 पिस्टल बरामद की। उक्त आरोपी अवैध हथियार मध्य प्रदेश से लेकर आया था और ये खेप पंजाब और हिमाचल क्षेत्र में सप्लाई करनी थी। उन्होंने बताया कि अरुण कुमार उर्फ मनी नाम का व्यक्ति इसे निर्देश दे रहा था, जिसके खिलाफ पंजाब के कई जिलों में और हिमाचल में कई मामले दर्ज हैं और पकड़ी गई खेप किसे सप्लाई करनी थी ये तो अरुण कुमार उर्फ मनी से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी बलकरण सिंह होशियारपुर का रहने वाला है और 12वीं पढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी पहली बार अवैध हथियार की खेप लेकर आया था। आरोपी के ऊपर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि अरुण कुमार उर्फ मनी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की जाएगी, जबकि पकड़े गए आरोपी बलकरण सिंह का 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। टीम शहीद भगत सिंह नगर पुलिस वालों एक इंटर स्टेट गैंग नू बस्ट किया गया, जिसके एक मैंबर से 10 पिस्टल्स रिकवर किए गए ने, जो पंजाब ते हिमाचल ते इन्होंने सप्लाई करने सी। तो इस रिकवरी ते शहीद भगत सिंह पुलिस नगर पुलिस ने काफ़ी ऑपरेशनली चंगा काम किया है। तो इन वैपन्स की यूजेज से पहले ही इन्हों इंटरसैप्ट कर लिया गया। तो जो एक एक्यूज नू एप्रीहेंड किया गया है उसके अगे भी काफ़ी पुछगिछ से लिंकेजिज के गल निकल की उम्मीद हैगी। ये जो है वैपन्स की कंसाइनमेंट मध्य प्रदेश तो लेके आया सीगा, तो इसनों जो डायरेक्शन है ये मनी नाम का बंदा दे रहा है, जिससे पहला भी आर्म्स एक्ट के वक् वक् थावान से हिमाचल से पंजाब के वक् वक् जिले के परचे है। ये फरदर किनू सप्लाई करना सी ये तो मनी की पुछगिछ से ही गल सामने आऊगी, बट ये जरूर हैगी कि पंजाब के एरिए काफ़ी इतने वैपन्स की जो रीसेंट पास ते एमपी दे वेपन्स आए हैगे, ये चंगा काम होएगा कि किसी भी वारदात तो पहला ही उन्होंने फड़ लिया गया।